जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोड़ा आवाज एंटरटेनमेंट के माध्यम से। मैं हूं दीपक राजपूत, टीम अरोड़ा से लेकर आया हूं शो एक बार फिर आपके लिए। हर शुक्रवार के शुक्रवार इसी टाइम पे हम हाजिर होते हैं आपके लिए, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल अपडेट्स ऑफ रियल एस्टेट मार्केट। सो मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड मिस्टर प्रवीण अरोड़ा जी, और साथ में हमारे साथ प्री कॉन से मौजूद है अंशुमन सिंह जी। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। लोगों के मन में चल रहा है कि बजट पेश होने वाला, बजट में क्या चीजें चेंज होने वाली है, उसके ऊपर काफी गर्मागर्मी चल रही है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं बात करूंगा थोड़ी इन्वेंट्री के ऊपर, कितने नंबर ऑफ हाउसेज है वो जो अवेलेबल है। अगर मैं ब्रैम्पटन की बात करूं तो वहां पर तकरीबन 1000 घर अवेलेबल हैं मार्केट में, जो मैं बात कर रहा हूं फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। और अगर मैं मिसाह की बात करूं तो वहां पर तकरीबन 650 के करीब घर हैं जो वो अवेलेबल हैं। और अगर मैं मिल्टन की बात करूं तो वहां पर तकरीबन 200 घर अवेलेबल हैं सेल पे। और अगर मैं आपके साथ बात करूं कैलेडन की, तो वहां पर भी ऑलमोस्ट 200 घर अवेलेबल हैं सेल पे। तो बात करें जनवरी से लेके जो अभी अप्रैल का महीना है, डेफिनेटली इन्वेंट्री में ऑलमोस्ट 50% की चेंज आई है, बड़ी है। तो प्रवीण जी, आपको क्या ये कुछ कंसर्निंग लग रहा है कि इन्वेंटरी में बढ़ोत हुई है, वो क्या नॉर्मल है कि आपको लगता है कुछ ज्यादा घर अवेलेबल हो गए हैं थोड़े टाइम में? देखो दीपक, कैसा है कि इन्वेंटरी का जो नंबर है आज अगर हम बात करें ब्रैम्पटन की तो तकरीबन 1000 से ऊपर है, और मिसागा का अगर हम बात करें तो 700 के करीब वो नंबर है जी। अगर हम नॉर्मल टाइम की बात करें तो ये इन्वेंटरी का ये नंबर रहता ही है, हालांकि इससे भी ज्यादा रहता था। बट नॉर्मल टाइम में और इस टाइम में जो फर्क है थोड़ा सा, वो ये फर्क है कि नॉर्मल टाइम में एक चीज ये होती थी कि जो नंबर ऑफ सेल्स थी वो नंबर ऑफ सेल्स भी ज्यादा होती थी, और इस टाइम पे क्या हो रहा है, हालांकि सेल्स अभी भी 8% एवरी वीक हो रही है, 8% सेल्स एवरी वीक हो रही है, बट नॉर्मल टाइम में क्या होता था, ये जो सेल है 10-12% तक चले जाती थी, 10-12% तक सेल्स एवरी वीक होती थी जी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 12% तक सेल होती थी तो तकरीबन 45-50% के करीब जो इन्वेंट्री है एवरी मंथ चले जाती थी और नई इन्वेंट्री मार्केट में ऐड हो जाती थी। और अब क्या है कि वो जो नंबर ऑफ सेल्स का नंबर है वो थोड़ा कम है, एक तो मार्केट में ये फर्क है, और दूसरा एक बात ये है कि अकेला ये रीसेल का नंबर ही नीचे नहीं है, इसके साथ जो प्रीकॉन का भी अवेलेबिलिटी है या जो नई चीजें हो रही हैं उनका भी नंबर है वो थोड़ा नंबर डाउन है। तो नंबर ऑफ सेल्स में चेंज तो आ रही है बट ये कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रही। और दूसरी एक चीज ये है कि पहले जो एक मार्केट में 5-6% साल की एवरेज ग्रोथ रहती थी, 5-6% ग्रोथ का मतलब ये था कि आप 1-1% की ग्रोथ तो नहीं नोटिस कर पाते थे, बट एवरी क्वार्टर आपको 1-2% जो चेंज है वो नजर आती थी। बट अब क्या है कि अगर आप पिछले स्टैट देखें, पिछले मार्च से लेकर इस साल मार्च तक अराउंड 1% के करीब है जो मार्केट में चेंज आई है जी। तो जहां पे जो चेंज एक क्वार्टर में आती थी अब वो चेंज एक साल में आ रही है। तो एक ये जो चीज है वो डिफरेंट है जो नजर आ रही है हमें पहले से मुकाबले, क्योंकि अब जो एक साल में चेंज आ रही है एक क्वार्टर वाली, तो उससे क्या हो रहा है कि लोगों को प्राइस में कोई चेंज नजर नहीं आ रही, दैट्स द नंबर वन थिंग। नंबर टू, जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इतनी ज्यादा नहीं हो रही जितनी पहले होती थी, और जब नंबर ऑफ सेल्स कम होती हैं तो अब लोगों को ये भी लगता है कि शायद मार्केट है अभी वो पिकअप नहीं कर रही, मार्केट में ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। हालांकि मार्केट में एक्टिविटी हो रही है, ऐसी बात नहीं कि मार्केट में एक्टिविटी नहीं हो रही, यस जो नंबर्स हैं वो थोड़ा डिफरेंट है जो नॉर्मल मार्केट में होते हैं। आई थिंक ये बात कहना गलत नहीं होगा प्रवीण जी, क्योंकि मार्केट में अगर हम लास्ट ईयर की बात करें कि पहले थोड़ा सा मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, पॉजिटिव साइन ये है कि मार्केट में एटलीस्ट हमें कुछ ना कुछ जो बढ़त देखने को मिली है, मार्केट काइंड ऑफ स्टेबल होती जा रही है, कहना गलत नहीं होगा आई थिंक? बिल्कुल, मार्केट जैसे ये कह लो अगर हम पिछले साल का देखें दीपक, तो पिछले साल से इस साल तक 1% ग्रोथ हुई है जी, ठीक है। अब आने वाले साल में जो मुझे लग रहा है कि उसमें भी मेरे को कोई बहुत बड़ी चेंज नजर नहीं आ रही। उसके जो कुछ कारण है वो ये है कि जो एक तो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट में अगर हम कहें कि बहुत बड़ी चेंज मुझे अभी तक के तो जो इंडिकेटर है उसमें तो नजर नहीं आ रही है कि वो बहुत बड़ी चेंज आएगी। और दूसरा, आगे चल के हम चर्चा करेंगे जो एक बजट के बारे में जो कुछ चेंजेस आ रही हैं दीपक,
वो थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को भी कुछ ज्यादा इनकरेज नहीं कर रही जी, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो पहले ही उनका थोड़ा मोमेंटम डाउन है रियल स्टेट मार्केट से जो पास्ट एक डेढ़ साल के अंदर हो रहा है मार्केट में, और अब आने वाले टाइम में ये जो चीज है ये थोड़ा सा उनका मोमेंटम है वो और नीचे ले आएगी। जैसे बजट में अभी सुनने में आया कि जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करें, क्योंकि काफी लोगों में एक तो डर भी है, क्योंकि लोगों ने जिन्होंने 20 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी है उनको अब कैपिटल गेन में जो कह रहे हैं कि 66% के दायरे में वो आ जाएंगे, 50 से 16% उसमें एक सर्टेन अमाउंट 250,000 से अबव अगर वो इंडिविजुअल अपनी पर प्रॉपर्टीज ओन करते हैं इंडिविजुअल नाम की। आप थोड़ा सा एलैबोरेट करके थोड़ा बताएंगे लोगों को कि जो थोड़ा समझ में आए कि उनको 250,000 जो आप कह रहे हैं right. मान लीजिए किसी ने 1 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी है हाँ जी। तो अगर वो 15 लाख की बिकती है तो उनपे क्या थोड़ा टैक्स का आपको क्या लगता है कितना पड़ेगा उसमें बढ़ेगा? देखो ऐसा है दीपक के ये जो अभी इन्होंने प्रपोजल रखी है उसमें कुछ चेंजेज है। एक तो ये चेंज है जो बड़ी है कि जो गवर्नमेंट चाह रही है कि हम हाउसिंग की जो प्रॉब्लम है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा हाउसिंग बनाई जाए, घर ज्यादा से ज्यादा बनाए जाए, उनमें उन्होंने कुछ ऐसी प्रोविजंस की हैं जो गवर्नमेंट की लैंड्स हैं, जो इवन कनाडा पोस्ट के पास लैंड्स हैं जहां पे उनको लगता है कि कनाडा पोस्ट के पास काफी लैंड का पार्सल है और वो उतना यूजेबल नहीं है, वो एक छोटे स्पेस में भी कनाडा पोस्ट को चलाया जा सकता है, बाकी जो बचेगा एरिया उसमें मतलब कोई ना कोई डेवलपमेंट की जाएगी। तो ऐसी कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ अमाउंट्स रखे गए हैं कि इतनी इतनी अमाउंट एलोकेट की जाएगी हाउसिंग को बढ़ाने के लिए। बट एक जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है इस बजट में वो ये है कि जो कैपिटल गेन है उसको चेंज किया है। कैपिटल गेन को चेंज ऐसे किया है दीपक के, जहां अभी देखो एग्जैक्टली इसकी ड्राफ्टिंग तो नहीं आई, बट जो मतलब मुझे समझ आई है जितनी न्यूज है उसके मुताबिक ये है कि जो अगर मान लो आपने कोई 5 लाख की प्रॉपर्टी ली और आपने वो प्रॉपर्टी 11 लाख की बेची जी, या 12 लाख की बेची आपने प्रॉपर्टी, आपको उसमें 7 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब ये है कि चलो कुछ खर्चे भी होते हैं आपके, मान लो 50,000 लाख डॉलर आपके खर्चे हो गए, व्हाटएवर, आपको नेट जो 11 लाख का प्रॉफिट हो गया उस प्रॉपर्टी में से, तो जो आपको 11 लाख का प्रॉफिट हुआ उसमें 50% जो होता है वो तो एग्जेम्प्टेड होता है कैपिटल गेन का, बिल्कुल ठीक है जी। सॉरी, आपको 6 लाख का प्रॉफिट हुआ, 11 लाख की अगर आपकी नेट रही तो वो 6 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ, तो 50% जो है आपका वो तो नेट निकल गया जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, वो 3 लाख बेसिकली बाहर निकल गया, तो 3 लाख निकल गया, तो 3 लाख आपका बचा। तो 3 लाख में जो पहले क्या होता था कि 50% वो जो होता था उसके ऊपर टैक्स ब्रैकेट होती थी, तो अब क्या है कि वो जो है वो कैपिटल गेन है वो 50% की बजाय 66% है जो वो टैक्सेबल हो जाएगा। 16% एक्स्ट्रा मतलब एक अमाउंट, 16% एक ज्यादा हो जाएगा अमाउंट। जो अब मान लीजिए उसमें क्या हुआ कि पहले आपका जो 3 लाख बचा था 250,000 के ऊपर जो 50% अमाउंट है 50% के हिसाब से जो है वो टैक्स लगेगा, उसके जो ऊपर वाली अमाउंट है उसके ऊपर वो 66% के हिसाब से टैक्स लगेगा जी। प्रिंजी, आई थिंक अगर मतलब इसमें गवर्नमेंट का सीधा सीधा ये अंदाजा लगाया जा सकता है वो इन्वेस्टर टोटली बंद करना चाहते हैं हाउसिंग को कंट्रोल करने के लिए। थोड़ा सा इसमें एक चीज तो ये जरूर रहेगी कि मतलब ये जो चीजें हैं वो इन्वेस्टर्स को डिस्करेज करेंगी, और सेकंडली इसमें एक चीज ये भी उन्होंने कही है कि जो कारपोरेशन हैं जिन्होंने कारपोरेशन या ट्रस्ट के ऊपर प्रॉपर्टीज ली है उनको ये जो 250 का उनको ने रखा है वो भी नहीं होएगा, उनके लिए सीधा 66% है जो वो उसको होएगा, कोई ब्रैकेट नहीं उसमें मिनिमम रहेगी। तो वो जो चीज है वो एक थोड़ा जो कैपिटल गेन का है वो इसके ऊपर थोड़ा सा फर्क जरूर है वो रहेगा जी। प्रिंजी, कल मैं एक न्यूज़ सुन रहा था रेडियो के ऊपर, जैसे इनका टारगेट है कि 2030 तक के जो मिलियन हाउस इन्होंने बनाने हैं उसमें वो कह रहे थे कि अगर सारे हाउसेस की जो हम देखा जाए तो 5 लाख इनको वर्कर जो है ना कंस्ट्रक्शन के वो शॉर्ट है। 5 लाख, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, राइट। 500,000 दे नीड मोर कंस्ट्रक्शन वर्कर टू बिल्ड दोर हाउसेस, राइट। तो उस चीज के लिए अगर इतना बैकलॉग है तो कैसे पूरा कर पाएंगे 2030 तक? देखो कंस्ट्रक्शन तो दीपक हमने पहले भी कई बार कई शोज में बात की है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑलरेडी काफी चैलेंज हो रहा है कि जो ट्रेड है डे बाय डे कम होता जा रहा है, क्योंकि जो पहले से लोग आए हुए हैं बाहर ले
कंट्रीज से, यूरोप वगैरह से वो काफी थे ट्रेड्स में जी। अब जैसे जैसे वो लोग ट्रेड से अपने रिटायर हो रहे हैं और जो यंग जनरेशन है वो ट्रेड में कम काम करना पसंद करती है, तो जो ट्रेड का चैलेंज है वो पहले ही काफी बढ़ता जा रहा था, और अब जो आने वाले टाइम में जैसे आप बता रहे हो कि इतनी लोग रिटायर हो रहे हैं, तो मुझे वो लग रहा है कि ट्रेड का और भी चैलेंज बढ़ जाएगा। अगर ट्रेड का चैलेंज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो और ऊपर चली जाएगी। आज भी मैं एक डेवलपर बैठे थे, उनके साथ बात हो रही थी, तो वो बात कर रहे थे कि जैसे जो कॉन्डोज की है कंस्ट्रक्शन हाई राइज की, ऑब्वियसली ये लो राइज से ज्यादा होती है इसकी कंस्ट्रक्शन, और वो पार्किंग्स की बारे में मेरे साथ बात कर रहे थे कि जो अंडरग्राउंड पार्किंग बनती है वो कितनी कॉस्ट कर रही है आजकल। और एक तो ट्रेड्स का बहुत बड़ा इशू है, बाकी जो मटेरियल है वो भी काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं, तो आने वाले टाइम में मेरे को एक चीज लगता है कि कंस्ट्रक्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, मतलब मार्केट में कि जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो काफी ज्यादा होगी, और अगर मार्केट में बिल्डर उस प्राइस रेंज में चीज को नहीं बेच पाएगा तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में उन चीजों के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर आएगा, बिल्डर शायद उतनी चीजें नहीं बिल्ड करेंगे अगर वो मार्केट में उसको उस प्राइस पे ना सेल कर पाएंगे। बिल्कुल, तो जी रिगार्डिंग, क्योंकि इंटरेस्टेड एक बहुत बड़ी अब कहते हैं हॉट न्यूज बनती जा रही है, सभी के मन में था कि आने वाले जून और जुलाई में शायद इंटरेस्टेड कम होंगे, तो अब क्या लगता है, क्योंकि ज्यादा जो इंडिकेशन आपको मिल रही है वो कैसी लग रही है आपको कि इंटरेस्टेड कब घटेंगे, कुछ है उसके ऊपर? पहले तो इस बार की बात थी अप्रैल की, अप्रैल में तो खैर लग रहा था कि कोई चेंज नहीं आएगी, जून में अब लग रहा है कि शायद थोड़ी बहुत चेंज आए, पर उसमें मेरे को एक चीज और लगती है दीपक, अगर मान लो एक आधा क्वार्टर परसेंट या आधा परसेंट कम भी हुआ, जो कि लग नहीं रहा कि अभी जैसे आप बात कर रहे हो, अंशुमन आप बता रहे थे कि इन्फ्लेशन का क्या नंबर है, 2.8 के करीब, 2.8 से 2.9 हल्का सा बढ़ा है पहले से, तो इन्फ्लेशन मतलब नीचे नहीं गई जी, तो मतलब इन्फ्लेशन का नंबर भी ऊपर ही है, और अब जैसे गैस वगैरह के प्राइस बढ़ रहे हैं आप उस दिन बता रहे थे, तो आपको क्या लग रहा है कि इन्फ्लेशन तो प्रवीण जी डेफिनेटली उसमें मेन जो कंट्रीब्यूटर है वो गैस है, और साथ में मॉर्गेज पेमेंट जो हम हाई इतनी कर रहे हैं, सभी लोग ही उसमें पीड़ित हैं, तो सभी उस हीट को कैसे महसूस कर रहे हैं, तो वो दो चीजें तो वही, और प्लस ग्रोसरी है, तो डेफिनेटली लग नहीं रहा आने वाले टाइम में कुछ ज्यादा लगता नहीं लगता नहीं, तो अगर इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगी दीपक ज्यादा, तो मुझे नहीं लग रहा कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, तभी मुझे लग रहा है कि जो बाकी चीजों में टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं वो कैपिटल गेन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं वो इंटरेस्ट रेट को नीचे नहीं ला रहे, तो इसी तरह से वो बेसिकली हाउसिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी प्राइसेस को कैसे कंट्रोल किया जाए। मुझे अब आप एक चीज देखिए ना, दोनों चीजें कंट्राडिक्टरी हो रही है, एक तरफ तो कंस्ट्रक्शन और ट्रेड की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से कंस्ट्रक्शन का प्राइस बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ हम एक चीज ये कर रहे हैं कि भी हम हाउस प्राइसिंग को नीचे लेकर आना चाहते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन के बिना जो अपने अप्रूवल्स वगैरह का सिस्टम है इसके बारे में हम बड़ी बार चर्चा कर चुके हैं, उसके ऊपर भी कोई चेंज नहीं है, वो भी कोई ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है उस चीज के बारे में भी, तो मुझे कोई ऐसी चीज दीपक नजर नहीं आ रही आने वाले टाइम में कि कोई बहुत ज्यादा बड़ी जैसे कह लो कि प्राइस के ऊपर कोई चेंज आ पाएगी, क्योंकि एक तरफ हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा के चीजों को रोका हुआ है फोर्सफुली, दूसरी तरफ चीजें ठीक नहीं हो रही, तो या तो इसको एज इट इज ऐसे ही फोर्सफुली रोक के मेंटेन करेंगे, या फिर दूसरी तरफ चीजों को चेंज करने की बात होएगी, दूसरी तरफ चीजें जो चेंज होनी है वो मेरे को कोई लग नहीं रहा कि कोई चेंज कर पाएंगे। अगर ट्रेड की कमी है, ट्रेड की कमी है, क्या कर सकते हैं आप? बिल्कुल राइट, या तो आपको इमिग्रेशन में चेंज करेंगे कि बाहर से आप ट्रेड ज्यादा लेकर आए, दैट विल बी द अदर थिंग, अगर आप ऐसी कोई चेंज नहीं करते तो यहाँ पे ऑल ऑफ सडन तो ट्रेड पैदा नहीं होने वाला। बिल्कुल, मतलब या तो आप जब से बच्चे स्कूलिंग में होते हैं उनमें कोई ऐसे प्रमोशनल चीजें करें कि वो ट्रेड की तरफ जाएं, आजकल एवरीबॉडी है वो यही चाहता है कि मैं कंप्यूटर पे बैठकर काम करूं, नोबडी वांट्स टू वर्क इन कंस्ट्रक्शन, और वो जो चीज है मुझे लगता नहीं है, ये दोनों चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो जब दोनों चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट है प्राइस कैसे मतलब जो है वो ठीक होएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अंशुमन जी, जैसे हम इधर रीसेल की बात कर रहे हैं, कि आपको क्या लगता है कि जो प्रीकॉन की साइड है उसमें कुछ बेटर हो रहा है कि वो भी थोड़ा मार्केट की हीट को सह रहा है? नहीं, काफी सह रहा है एक्चुअली, और लो राइज में तो फिर भी हम लोग मूवमेंट देख रहे हैं, सेल हो रही है, बट हाई राइज की अगर बात करें कॉन्डोज, क्योंकि बिल्डर ने प्राइस नहीं कम की है, इवन इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद भी प्राइस उन्होंने वही रखे हुए, इंसेंटिव जरूर ऐड किए,
पर उससे कोई सेल में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो काफी डाउन है अगर हम, क्योंकि इन्वेस्टर्स अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल इन सारे फैक्टर्स की वजह। जब तक ये इंटरेस्ट रेट कम होना नहीं शुरू होगा, और उसमें लग रहा है जैसे कि 1 से 2 साल का टाइम लगेगा, और वो भी धीमे धीमे ही घटाएंगे वो, तो तब तक मूवमेंट आना थोड़ा मुश्किल है। आई थिंक उसका मेन रीजन प्राइस ना कम करने का, एक तो कंस्ट्रक्शन मेन रीजन हो सकता है कि उनको जो लेबर उस प्राइस पे नहीं मिल पा रही, और उनकी जो कॉस्ट है वो उस पे बैठती नहीं है, बिल्कुल ये कह सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर वक्त हो चुका है ब्रेक का, हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, हम यूं गए और यूं आए। जी आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोड़ा आवाज एंटरटेनमेंट के माध्यम से। आज हम चर्चा कर रहे थे जैसे कि रियल अपडेट्स ऑफ रियल एस्टेट मार्केट, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे प्री कंस्ट्रक्शन के साथ। हम अंशुमन जी से बात कर रहे थे, अंशुमन जी आप प्री कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आज की मार्केट में आपको लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट हो और उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट लिया जा सकता है इस मार्केट में भी? देखिए लो राइज का एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, ये आपका वुडस्टॉक में पड़ता है। वुडस्टॉक की खासियत क्या है कि आपका 401 और 403 दोनों मर्ज होते हैं जी। और ये आपका किचनर और लंदन के बीच में है, बिल्कुल हाईवे के ऊपर जी। तो स्ट्रेटेजिकली काफी अच्छा है, काफी ट्रकिंग कम्युनिटी भी प्रेफर करती है वहाँ पे, क्योंकि कम्यूट करना इजी है जी। तो वहाँ पे कैशे होम के फ्री होल्ड, कम्प्लीटली फ्री होल्ड टाउन हाउसेज और डिटैच हाउसेज आए हैं। टाउन जो शुरू हो रहे हैं वो हाई 500 में हो रहे हैं, 2 स्टोरी के ट्रेडिशनल टाउन्स। अगर हम कैम्ब्रिज में आ जाएंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं कि स्टैक टाउन ही 500 हाई 500 में मिलते हैं बिल्कुल। तो फॉर 2 स्टोरी ट्रेडिशनल टाउन का बहुत अच्छा प्राइस है, स्टार्टिंग प्राइस। और 30 फीट एंड 36 फीट के डिटैच हाउसेज हैं जो ऑलमोस्ट आपके अराउंड मिड 700 में शुरू होते हैं। तो प्राइस पॉइंट वाइज काफी अच्छा है, और 2025 के एंड की क्लोजिंग है, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल का टाइम, 1.5 साल का टाइम मिल रहा है, तो काफी अच्छा स्ट्रेटेजिकली प्रोजेक्ट है। तो आई थिंक उसके लिए अगर 1.5 साल का टाइम है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर में कुछ कमी तो आएगी तब तक, जो लोगों को थोड़ी राहत दे। डिपॉजिट स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है, टाउन्स का इट्स अराउंड 70,000 है, और जो डिटैच का है वो अराउंड 100,000 के करीब है, स्प्रेड ओवर अराउंड 6 मंथ्स टू 1 ईयर टाइम। और सबसे बड़ी बात यह है जो टाउन हाउसेज आप बता रहे हो फ्री होल्ड, उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, फ्री होल्ड टाउन, क्योंकि लोग आजकल काफी कहते हैं कि मैंने मेंटेनेंस वाला टाउन हाउस लेना, मुझे फ्री होल्ड चाहिए। बिल्कुल, तो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल हु आर लुकिंग फॉर टाउन हाउसेज फ्री होल्ड। वुडस्टॉक काफी कह सकते हैं कि आज की डेट में काफी ग्रो कर रहा है बिल्कुल। तो उसके इलाज से क्योंकि हाईवे बिल्कुल ऊपर, और जैसे इन्होंने बताया कि ट्रकिंग जो कंपनीज हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए काफी इजी एक्सेस है, कोई कम्यूट करना इट्स वेरी इजी। So, इसके अलावा अंशुमन जी और कोई प्रोजेक्ट है आपके पास? देखिए सिमिलर प्राइस पॉइंट में हमने पहले भी बेचे हुए हैं, वहाँ काफी बड़ी मास्टर कम्युनिटी बन रही है ब्रैंडफोर्ड में, वहाँ पे एम्पायर का प्रोजेक्ट है विनफील्ड के नाम से, और उधर भी सिमिलर प्राइस रेंज है, बट क्लोजिंग थोड़ी सी जल्दी है, अराउंड 4 to 5 मंथ्स की क्लोजिंग है। पर उनके भी जो टाउन हाउसेज है वो लाइक लो 600 में है, और जो डिटैच शुरू होते हैं डबल कार गराज के, वो आपके हाई 700 लो 800 में है, विच इज अ वेरी गुड प्राइस, क्योंकि काफी लोग हैं जो हैमिल्टन वगैरह में जॉब करते हैं, उनके लिए ब्रैंडफोर्ड और पेरिस एरिया वो प्रेफर करते हैं जी। प्रवीण जी जैसे एक हमारे कुछ सेलर भाई, उन्होंने हमें ईमेल लिखी है, वो अपना थोड़ा सिनेरियो बता रहे थे, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, वो भी टीवी देख रहे हैं शो। वो कह रहे थे कि उनकी जो प्रॉपर्टी अगर आज वो सेल करते हैं वो ऑलमोस्ट $1 मिलियन की सेल होती है, ठीक है। अगर वो कह रहे थे कि मैं इसको होल्ड करने को कर सकता हूँ बकायदा अगर मुझे प्रॉफिट हो, जो आज की डेट में आपको लगता है कि आज की डेट में अगर उनकी जो मॉर्गेज है वो $5,500 के करीब वो पे कर रहे हैं, तो आई थिंक सबको पता है आज की डेट में तो मोस्टली पोर्शन तो इंटरेस्ट का ही रहता है, तो वो होल्ड करने से क्या वो अपनी कॉस्ट को उसको सिर्फ मेंटेन ही कर पाएंगे या उसमें कुछ प्रॉफिट भी बना पाएंगे अगर वो साल होल्ड भी करते हैं? देखो उसमें दीपक मेरे को कोई बहुत ज्यादा बड़ी चेंज नजर नहीं आ रही कि आने वाले एक आधे साल में कोई बहुत बड़ा बेनिफिट लेंगे वो। अगर मान लो आज की डेट में वो किसी प्रॉपर्टी को $1 मिलियन में बेचते हैं जी, और आज से 1 साल बाद, ये तो हमारी एक अजम्पशन है ना बिल्कुल, कि 1 साल बाद वो प्रॉपर्टी 1.5 लाख बढ़ेगी जी, 1.5 लाख बढ़ने का मतलब 15% साल की ग्रोथ है बिल्कुल, जो कि मुझे को आज की डेट में फिजिबल नहीं लग रही बिल्कुल। अगर हम कनाडा की रियल स्टेट की हिस्ट्री देखें तो एवरेज 5 से 6% जी, तो अगर हम कोई भी चीज ले सकते हैं पिछले कुछ डेटा को देख कर, तो वो हम जो हिस्टोरिकल डेटा है उसको देखकर कोई ना कोई चीज डिसाइड कर सकते हैं। देखो आने में कुछ सडन मार्केट में चेंज आए, जब पीछे कोविड की वजह से एक मार्केट में जंप आया, कुछ काफी चेंज जो थी वो मिस्टेक्स रही हैं बड़े पार्ट्स के ऊपर जी, और लोगों को बड़ी चीजों में कंफ्यूजन हुआ उसमें। तो एक जो चीज है वो मेरे को एक चीज ये लगती है कि जो वो वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट अब शायद दोबारा आने वाले टाइम में जल्दी नहीं आएगा जी,
मतलब वो रिपीट ना होए वो वाला पार्ट, अगर वो वाला पार्ट रिपीट नहीं होता आने वाले टाइम में, अगर वो वाला पार्ट नहीं रिपीट होता, तो मेरे को एक चीज ये लगती है कि जो हम ग्रोथ मान सकते हैं वो हम 5-6% की ग्रोथ है वो मान सकते हैं, तो जो 5-6% की ग्रोथ है वो 50-60 हजार डॉलर है साल का। बिल्कुल, अगर आप 60 हजार का गेन करते हैं, 50-60 हजार आप इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रहे हैं, तो नेट गेन मेरे को कोई खास आने वाले टाइम में बहुत बड़ा लग नहीं रहा, अगर आपका कोई प्लान है कि प्रॉपर्टी को आप एक साल के लिए होल्ड करें। जी, आई थिंक प्रिंसी इसमें ये कहना भी जरूरी होगा, अगर तो प्रॉपर्टी आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आई थिंक उसमें ये मशवरा रहेगा कि आप सेल कर ले तो बेटर रहेंगे, क्योंकि आई थिंक एक साल की अगर हम पास्ट ही देखें तो 1% की ग्रोथ हुई है। चलिए मान लेते हैं इंटरेस्टेड डाउन जाएगा आने वाले टाइम में, तो फिर भी 5-6% की नॉर्मल ग्रोथ है वो हो सकती है। जी, तो प्रवीण जी इसके बाद जैसे अब हमेशा हर हफ्ते कोई ना कोई लिस्टिंग लेके आते हैं, क्योंकि लोगों के लिए जो अट्रैक्टिव प्राइस आप लेके आते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपके पास कोई लिस्टिंग्स जो आई हैं, अब पहले मैं बात करना चाहूंगा जो हम लिस्टिंग लेके आए हैं ब्रैम्पटन में 1 Bacon Rose Court के ऊपर, ये एक स्टैक टाउन हाउस है जो फाइनेंशियल और मिसिसागा के एरिया में है, और ये 2 bedroom and 3 washroom का है। प्राइस इसकी काफी अट्रैक्टिव है 749 के ऊपर, और इसके ऊपर हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं दिस सैटरडे एंड संडे। आई थिंक ये हमारे शेड टेक्नीशियन दिखाएंगे भी जी, अगर आप जगह टेक्नीशियन उसको दिखा दे 1 Bacon Rose Court की जो लिस्टिंग है, 1 Bacon Rose, और ये ब्रैम्पटन का काफी अच्छा एरिया गिना जाता है क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर पे है मिसिसागा ब्रैम्पटन और मिल्टन के, और ये फाइनेंशियल ड्राइव और मिसिसागा के ऊपर रोड के ऊपर है, और ये स्टैक टाउन विद 2 car parking। अगर इसकी आप घर को देखना चाहते हैं ओपन हाउस में विजिट कर सकते हैं 1:30 to 4 सैटरडे एंड संडे, या आप हमारे साथ प्राइवेट व्यूइंग भी कर सकते हैं बुक, और हम आपको प्रॉपर्टी शो भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा जो प्रॉपर्टी हम लेके हैं फर्स्ट टाइम होम बायर की हम बात कर रहे हैं, ये भी काफी अट्रैक्टिव ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी और नेवर लिव्ड इन, जो लोग ईस्ट साइड की तरफ मूव करना चाहते हैं विटबी में 29 Sorbara Way, इसकी मैं बात करूंगा जो नॉर्थ साइड में है विटबी में। ये ब्रांड न्यू टाउन हाउस है ऑलमोस्ट 1750 स्क्वायर फीट का, इसमें 3 bedroom है ऊपर और 2 full washroom। इसके ऊपर भी अगर आपको कोई भी व्यूइंग करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस में कॉल कर सकते हैं 416-910-8923, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ हमने 899 पे लगाई है, काफी अट्रैक्टिव प्राइस है टाउन हाउस की। इसके बाद हम बात करें 278 Buick Boulevard, प्रवीण जी आप बताएंगे प्लीज। ये जो प्रॉपर्टी है दीपक जी अराउंड 2400-2500 स्क्वायर फीट का घर है, और ये डिटैच घर है नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में, वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी है, एक कपल रहता था वहां पे, घर उन्होंने बहुत साफ रखा हुआ है, और ये जो प्रॉपर्टी हमने ये भी काफी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर लगाई है, और इसका दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं हम इस वीकेंड के ऊपर। जी, अगर जो लोग सेकंड टाइम बायर है या कह लीजिए थर्ड टाइम बायर है, उनके लिए भी हम प्रॉपर्टी काफी अच्छी लोकेशन, जो मैं ब्रैम्पटन की बात करूंगा अगेन वेस्ट साइड की, जो मिसागा रोड एंड स्टील्स या फाइनेंशियल एंड स्टील्स की बात करूंगा, हम 105 Olivia Mary Road के ऊपर एक डिटैच घर लेके आए हैं। हर लोगों की ख्वाहिश होती है कि मेरा जो घर हो बैकिंग ऑन टू रवीन हो, बड़ा लॉट हो, तो ये दोनों चीजें उस चीजों को फुलफिल करता है, ये बैकिंग ऑन टू रवीन भी है, और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो 200+ feet की इसकी लेंथ है, और ये घर है 2700 square feet अप्रॉक्सीमेटली, और बेसमेंट इसकी बनी हुई है, और ये इसके ऊपर 4 bedroom and 3 full washroom। इसके ऊपर भी अगर आप व्यूइंग करना चाहें तो हमारे ऑफिस में पर्सनल अपनी व्यूइंग बुक कर सकते हैं। और इसके बाद अगर प्रवीण जी आप बताना चाहेंगे 30 Jacob Brill Crescent के बारे में। ये जो 30 Jacob Brill Crescent है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है दीपक, ये 4000 square feet+ की प्रॉपर्टी है, और इसकी भी बेसमेंट बनी हुई है, जैसे आप देख रहे हैं कि काफी ग्रैंड एलिवेशन है प्रॉपर्टी की इसकी, और ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर आप अगर चाहते हैं तो आप प्राइवेट व्यूइंग बुक कर सकते हैं इस वीकेंड पे, हम आपको ये प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। और जो नेक्स्ट वाली हमारी प्रॉपर्टी है वो है 29 Dancing Waters, और ये जो प्रॉपर्टी है 29 Dancing Waters, ये भी हमारी मतलब जो प्रॉपर्टी है इससे ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। इसमें जो सबसे बड़ी बात है दीपक की, बहुत अच्छे अपग्रेड्स हैं, आपको लगता है घर देख करके वाकई घर में उन्होंने कोई काम किया है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं। जी, तो ये तो बात होगी जो हम प्रॉपर्टीज मार्केट में लेकर आए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा अगर आपके माइंड में कुछ कह सकते हैं समंजस चल रही है कि आप प्रॉपर्टी को कितने में बेचे या ना बेचे, मैं आपको कहूंगा एक बार हमारे साथ आप बात जरूर करें, आप हमें कॉल करें। देखिए फ्री वैल्यूएशन आप ले सकते हैं, आप अपनी एस्टीमेट भी ले सकते हैं, चाहे आज आपने बेचना है नहीं बेचना, देयर इज नो ऑब्लिगेशन,
उसके बारे में आप हमारे साथ बात करें, हम आपको नंबर्स देंगे और आपको सजेस्ट करेंगे व्हाट इज बेटर फॉर यू टू होल्ड और टू सेल। उसके लिए हमारे ऑफिस का नंबर है 416-910-8923। सो प्रवीण जी, जाते जाते थोड़ा सा बात करते हैं कि आपको जो मार्केट आने वाला फ्यूचर है उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि मार्केट में कैसी एक्टिविटी को आप देखते हैं? देखो, आने वाले टाइम में दीपक मेरे को कोई बहुत बड़ी चेंज तो नहीं नजर आ रही कि मार्केट में बहुत बड़ी कोई चेंज होगी। यस, मार्केट में जो एक्टिविटी है एक स्टेबल सी एक्टिविटी चलती रहेगी, और इंटरेस्ट रेट में भी मुझे कोई नियर फ्यूचर कोई बहुत बड़ी चेंज है वो आने वाले टाइम में नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो प्रवीण जी बेसिकली आप कहने का मतलब कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी ना करें? ये नहीं हम कहते कि इन्वेस्टमेंट ना करें, हम ये कहते हैं कि आप ऐसी चीजें मत एक्सपेक्ट करें कि आने वाले टाइम में मार्केट में कोई बहुत बड़े मैजिक्स होंगे। मतलब ये जो मार्केट है ऐसे नॉर्मल ही चलेगी आने वाले टाइम में। जी शुक्रिया। सो यहाँ वक्त हो चुका है आज की शो को खत्म करने का, तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे यही समय शुक्रवार की शुक्रवार। शुक्रिया।